रोकना ही कौन है रोकना। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? सर स्विगी की जॉब है। इतनी रात में स्विगी चलती है क्या? हाँ सुबह 5 बजे तक चलती है, 5:30 तक। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे बदमाश हो। नहीं सर, क्या प्रूफ है स्विगी की? जोमेटो भी चलता है क्या? हाँ स्विगी जोमेटो जोमेटो दोनों चलते हैं हमारे पास। दोनों है उनका और आईडी भी है। नहीं ये तो थोड़ी कोई चेक करेगा ऐसे? नहीं टी शर्ट वगैरह भी है सब। कहाँ दिखा, पहन के चलो ना ऐसे के तुम लोग टांगे हो बदमाशों की तरह, जैसे वो चोरी करके सामान लाए हो। ये सर आईडी रहती है। ये क्या है ऐसे पहनो ना, ये पहचान होती तुम्हारे आपके काहे के? वो स्विगी के स्विगी है यहाँ तीनों। तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो मीटिंग कर रहे हो क्या तीनों लोग? नहीं नहीं, ये रेस्टोरेंट ऑर्डर का ऑर्डर वगैरह मिलते हैं यहाँ से, पूरी रात चलता है सुबह तक। दिन में क्या करते हो आप लोग? दिन में भी चलता है। दिन में क्या, हमारा शाम के 7 बजे से सवेरे के 4 बजे तक का वो है शिफ्ट। तो परमानेंट यही करते हो? हाँ यही चलता है। और पढ़ाई क्या की हो? पढ़ाई 12th। बस उसके बाद नहीं पढ़े हो? कहाँ के हो? मैं रहने वाला करैया का हूँ। करैया? आप? मैं गोरमी का हूँ। गोरमी भिंड। तुम कहाँ के हो लड़के? सर मैं भी करैया जी आते हैं। बेला है पास में गाँव में। बेला कमा ले तो 100-150 रुपये कमा लेते हो? रात नहीं हो जाता है 400-500 का रात में। हाँ 500 रुपये मतलब से आप अपने बस। बढ़िया। और दिन में क्या करते हो फिर? दिन में एक शॉप है शादी कार्ड की, तो उस पर जाते हैं, तो वो भी चलता रहता है। बढ़िया। शादी वादी हो गई तुम्हें? हाँ शादी हो गई लंबे तीनों की। मेरे बच्चे आज का खर्चा चल जाता स्विगी से? हाँ बढ़िया चल रहा है। तुम्हारी भी हो गई शादी? बच्चे पढ़ा रहे बच्चों को? हाँ है बच्चों को पढ़ाना है अभी तो। हाँ ग्वालियर हमारे तो है नहीं है अब, इनके हैं तो बता देंगे। तुम्हारे हैं बच्चे? क्या कराते हो? डबरा से आते हैं। अप डाउन होता है इनका रोज। डबरा से आते हैं डेली ट्रेन से आप? मैं तो यहीं गदाईपुरा में रहता हूँ किराए से। हाँ आपकी तो शादी हो गई? शादी हो गई, 2 साल का बच्चा है। अच्छा तो उसको 1-2 साल बाद पढ़ाओगे? स्विगी मतलब ये एक नई नौकरी निकली है लोगों की? नहीं 2019 से चल रहा है ये। चल रहा है अभी, बीच में बंद हो गया था कोरोना के साथ। हाँ कोरोना के समय से जब से हम फिर चले गए थे गांव। अच्छा। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हुआ, फिर आ गए लौट के। इसमें रिस्क नहीं है रात में जैसे कोई को देने जाओ और वो ना दे सामान छोड़ ले ले बोले पैसा नहीं देना? नहीं, होता नहीं, है वहाँ होता है। उसी बार हुआ है, मजे भी है, ग्वालियर निकल के भी आए, वहाँ से निकल के भी आए। अब क्या होता है नहीं होता तो मंगाते सिगरेट दारू? हाँ, वो भी नहीं सिगरेट दारू वगैरह तो दारू वगैरह हम खुद ही नहीं ले जाते, मना करते क्या हम पकड़ते भी नहीं है। तो केवल सिगरेट वगैरह अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं 40-50 रुपए तो ले जाते हैं। नहीं तो वो ऑनलाइन ऑर्डर होती है क्या सिगरेट? क्या नहीं 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 वो ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन वो फोन करते हैं ना फोन से पहले पर्सनल नंबर से, वाले से भी नहीं करते हैं वो पर्सनल नंबर से मंगाते हैं, ले आना पड़ता है। अब क्या बुद्ध देना है ऑर्डर? ऑर्डर नहीं तो फिर नहीं, फिर वो दिक्कत आती है वहाँ। नहीं तो जो पर्सनल नंबर से बोलते होंगे तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी? नहीं 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 उससे नहीं है। जैसे क्या होता है जैसे किसी ने ऑर्डर मंगाया अब हम उनके लिए लेके नहीं, असली फायदा तो उसी में होता है ना, सिगरेट पीने वाले शौकीन रहते हैं। हाँ, वो खाने वाले पुड़िया गुटखा वो महंगी जाती है ना, पर मिलते नहीं रात में। रेलवे स्टेशन अभी बंद करवा के आया हूँ। वो स्टेशन तो खुला होगा अभी, वो खुला होगा डीबी मॉल वाला खुला होगा, बंद करवा दिया हमने। अच्छा। रात में क्या ये सिगरेट पीने आते हैं ना उल्टे सीधे लोग बदमाश, और वो बहुत चल रहा है। चलो अच्छा है भाई, अपना अच्छा काम करो ना, कर सकता बहुत मेहनत करते हो रात भर।